बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामी। आज 2 नवंबर 2020 और पीर का दिन। बहुत सारी आज मैंने कॉल्स मौसूल की और जो लोग कॉल्स कर रहे थे उनको कहा कि भाई वॉइस मैसेज के ज़रिए आप अपना मुद्दा वो बताएं और उसका जवाब हासिल करें। अब देखते हैं कि ये साहब कौन थे और कोशिश की थी मैंने कि उनको फौरन ही जवाब दूं। डॉक्टर साहब, क्या हालचाल है? ठीक ठाक हो? मैं अफजल बात कर रहा हूँ सरगोधा से, 135 जनूबी से। जी मैंने सर ये पूछना था कि अभी हालिया दिनों में हम कास्ट कर सकते हैं मटर की, क्या उसके लिए टाइमिंग है? तो काइंडली वो मुझे बता दें और उसके लिए कि जो जमीन की तैयारी है वो बता दें और जो उसमें खादे वगैरह यूज करनी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल बता दें, और ये बताएं कि अभी हम काश्त कर सकते हैं इन दिनों में, तो कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है अभी कि हम काश्त अच्छे अच्छे तरीके से मटर की कर सके। मेरी जान, ये फिर मैंने आज जवाब 2 नवंबर हो चुकी है, आप अगेती अक्साम जो हैं वो वस्त सितंबर से शुरू अक्टूबर तक, पंद्रह 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का दरमियानी अरसा जो होता है अगेती कास्त के लिए ज्यादा मौजू करार दिया जाता है। 25 और अब आप इसके बाद एक होती है ये दरमियाना मौसम मौसमी होती है और फिर इसके बाद पछेती लेट, हाँ जी, उनके लिए आप वस्त यानी मिड अक्टूबर से लेके मिड नवंबर तक आप कर सकते हैं। आजकल बेहतरीन अभी टाइम है आपके पास और इसको आप फायदा उठाते हुए नवंबर के दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते तक भी बेशक जा सकते हैं, आप इसकी अभी काश्त कर सकते हैं। ठीक है मेरी जान, ये रहा। तो बाकी जो आपने कहा कि जी उसकी तैयारी बताएं और सारा, वो मेरा प्रोग्राम मटर की काश्त देख लें और उसमें मैंने सारा कुछ दिया हुआ है और इनकी अकसाम, चार जो बड़ी मोटी मोटी अकसाम है उनका भी जिक्र होगा और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप प्लीज उनको देख लें और उनसे रहनुमाई हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब कह रही है कॉल्स वगैरह नहीं आजकल ले रहे, तो मैसेजेस पे ही आपसे कांटेक्ट होगा अब दोबारा? बिल्कुल मेरी जान, मैसेजेस पे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। अगर कॉल लूंगा तो हो सकता है कि आपको एक सवाल आपका जो था आप तक पहुंच गया उसका जवाब। अब आपका काम है जो मैंने आपको अर्ज की कि आप मेरा मटर की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है उसको देखें तो तशनगी दूर हो जाएगी आपकी। अब अगर फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मैं, मेरी जान, आप इसी वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझे कह सकते हैं और फिर मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह उनके सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। ये मैंने तजर्बा देखा, बहुत कामयाब तजर्बा ये, और मैंने और भी इसके साथ नोट किया है कि लोग जो व्यूअर्स हैं वो बड़ा पसंद करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई इधर उधर की नहीं, तो लोग अगर कॉल करेंगे तो वक्त ज़ाया करते हैं ज़्यादातर, बहुत सारी बातों से बातें निकलती जाती हैं तो नहीं। तो मेरी जान आप इसी तरह होगा, आप रोज़ाना, लेकिन बेहतर है जिस तरह आपने तारुफ कराया शुरू में, वो सारे व्यूअर्स को जो भी मुझे मैसेज करना चाहे वो प्लीज़ अपना पहले तारुफ कराए कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ, ताकि फिर उसी हिसाब से उसको जवाब दिया जाए। जज़ाक, थैंक यू वेरी मच, और दुआओं में याद रखें पूरे सरगोधा को। सलाम फी मान ला।